हरियाणा प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। विधानसभा चुनावी रण तैयार है। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने नेताओं को उनके क्षेत्रों से उतार दिया है। उसी तरह बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग एक पर बसे गन्नौर हलके की, तो यहाँ भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहीं हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार भी गन्नौर के मैदान में उतरे हुए हैं और प्रत्याशियों के मन को टटोलने में लगे हैं। इसी के चलते हमारे संवाददाता ने गन्नौर से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र रंगा से बात की है। चलिए आपको दिखाते हैं। आइए आज हम आपको गन्नौर विधानसभा से बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र रंगा से चुनावी हलचल के बारे कुछ विशेष चर्चा और चुनाव के मुद्दों के बारे में बातचीत करते हैं। जितेंद्र जी, आप किन चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में ये चुनाव लड़ रहे हो? जी, हमारे मुद्दे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित है। बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा भी रहा है, हम इस देश को शिक्षित स्वस्थ देखना चाहते हैं और हमारा जो फोकस रहेगा, जो पूरा हमारा एजेंडा रहेगा, वो हमारा पूरा रोजगार पर, शिक्षा पर और हमारे जो हलके का है उसके स्वस्थ रहने पर रहेगा। जी, गन्नौर में काफ़ी लंबे टाइम से बीएसटी में रोजगार को लेकर काफ़ी लंबे टाइम तक राजनीति होती रही है, लेकिन अब वो बीएसटी यहाँ से वो चुनावी मुद्दा ख़त्म होने के बाद अब आप नया मुद्दा क्या लेकर चल रहे हो गन्नौर के विशेष? रही बात बीएसटी की, तो जी जितनी पार्टियाँ हैं इस मुद्दे को लेकर सिर्फ राजनीति करती रही हैं, किसी भी पार्टी ने इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश नहीं करी। और जो हमारी पार्टी का स्टैंड रहेगा वो ये रहेगा, अगर इसमें कुछ गुंजाइश होगी वो हम टेक्निकल चीज़ देखेंगे या जो लीगल पॉइंट है वो देखेंगे, अगर कहीं गुंजाइश होगी तो हम इस कंपनी को, जो बीएसटी को, इसको फिर दोबारा से चलवाने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे मुद्दे हैं वो हम चाहते हैं कि भाई जो गन्नौर शहर है, गन्नौर है ना हमारा, वहाँ तो एक तो बाईपास बनना चाहिए। आपकी पार्टी की मेन नीतियाँ जिनको आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं वो क्या क्या हैं पार्टी की नीतियाँ? देखिए, आप अगर जो कवरेज करोगे हमारी तो आपको पता लग जाएगा, जो हमारा सारा फोकस इसी चीज़ पर है भाई, रोज़गार, जो इन सरकारों ने बहुत बुरा हाल कर दिया है, जो रोज़गार के मामले में ये सरकारें पूरे हरियाणा को जिस तरीके से पीछे लेके जा रही हैं, जिस तरीके से रोज़गार यहाँ के हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है, बाहर के प्रदेशों के बच्चे हमारे यहाँ पर रोज़गार पा रहे हैं, तो हमारा फोकस ये रहेगा भाई हम कैसे न कैसे ऐसा कानून बनाएं भाई कम से कम 75% जो नौकरियाँ हैं वो सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए रिजर्व हो एक तरीके से। एक मिनट जितेंद्र जी, आप जीतने के बाद हलके में प्राथमिकता के आधार पर किस मुद्दे को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य या शिक्षा या लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, किस मुद्दे को सबसे पहले प्राथमिकता से सुलझाना चाहोगे प्राथमिकता के आधार? हमारी प्राथमिकता तो ये रहेगी जी, हमारे यहाँ पर गन्नौर में कोई भी सरकारी लड़कियों का कॉलेज नहीं है। हाँ जी, तो प्राथमिकता ये रहेगी भाई हम उस पर फोकस करेंगे सारा, वही सबसे पहले हम वो काम करवाएं। फिर हमारा जो, क्योंकि इसमें ना हमारे गन्नौर में बहुत सारा एक भीड़ सी पैदा होगी, हम चाहेंगे ताकि भाई यहाँ पर बाईपास हो, बाईपास से जो हमारी जो भीड़ है कम होगी और जो काम है हमारा और बढ़ेगा। जी, बाईपास के नाम पे कांग्रेस सरकार भी काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ कहती रही कि हम बाईपास बनवा पाएंगे, लेकिन वो योजना सिरे अब तक केवल कागजों तक है या उन्होंने धरातल पर बाईपास के नाम? नहीं, धरातल पर तो वैसे भी काम नहीं किया उन्होंने, कुछ आज तक तो कुछ पता लगा नहीं इस चीज़ का, नहीं कभी कोई, जैसे आप कवरेज करते हैं मीडिया ने कुछ बताया भाई आज तक कुछ इस तरीके का कुछ काम किया ना कांग्रेस ने किया है, बीजेपी का तो मतलब ही नहीं है, बीजेपी का तो काम ही दूसरा है। आप अपना मुकाबला किस कैंडिडेट या किस पार्टी के कैंडिडेट से या निर्दलीय से मुकाबला मानते हो आप? जी, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। ये आप लोग अब देख भी सकते हैं, जैसे समर्थन मिल रहा है, और आपसे निवेदन ये रहेगा भाई आप कवरेज करिए एक बार, देखिए आप कैसे माहौल बना हुआ है, और तो बहुत बढ़िया तरीके से हज़ारों वोटों से हम जीतेंगे। प्रचार कर हर गांव में जाके, क्या आपको 36 बिरादरी के साथ?
बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे साथ हर बिरादरी का आदमी है, हर समाज का आदमी है, हर धर्म का आदमी है, बिल्कुल भरपूर समर्थन मिल रहा है। जो दिल जिस हर्षोल्लास के साथ जो लोग स्वागत कर रहे हैं वो देखने लायक होता है। और मैं आपको फिर आमंत्रित करूंगा कि आइए आप कवरेज करिए हमारी। आप हलके के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? जी हमारा संदेश यही है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाए, अपना आशीर्वाद बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको दें और हम दिखाते हैं फिर सुशासन क्या होता है। जैसे बहन जी ने जिस तरीके से यूपी में सरकार बनी हमारी 4 बार, तो ये बात सबको पता है, पूरे देश को पूरी दुनिया को पता है, जो प्रशासन बहन जी चला सकती हैं या जो प्रशासन हमारी पार्टी चला सकती है उसका मादा किसी में नहीं है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।